तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बड़ी ही दर्दनाक स्थिति से गुजर रहा है। एक तरफ उसकी इकोनॉमी गिरती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकली पाकिस्तान में अंदरूनी हिंसा बढ़ती जा रही है। उर्फ पीएम और पीटीआई प्रमुख इमरान खान की किसी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है तोशाखाना मामले में। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी भी हो चुका है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये तोशाखाना मामला है क्या। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान तोशाखाना मामले की सुनवाई के दौरान लगातार गैर मौजूद रहे हैं। इस वजह से इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद इस्लामाबाद पुलिस, लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर उनके घर पहुंची उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल वजीराबाद में एक जानलेवा हमले में गोली लगने के बाद तख्त से उभर रहे इमरान खान इस्लामाबाद के कोर्ट में तोशाखाना मामले की सुनवाई में 3 बार मौजूद नहीं रहे थे। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई के कार्यकर्ता भी पुलिस के विरोध में खड़े हो गए हैं। पीटीआई के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में इमरान खान के घर के बाहर जमा हो गए हैं और पुलिस और पीटीआई के कार्यकर्ता में पिछले 2 दिन से मुठभेड़ चल रही है। पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लोगों से ये अपील की है कि जितनी बड़ी से बड़ी संख्या में वो लाहौर आ सकते हैं आए और अपने इमरान खान को बचाएं। तो तोशाखाने का मतलब जो एक ऐसा कमरा है जहां राजा या अमीरों के कपड़े गहने उपहार आदि संभाले जाते हैं। पाकिस्तान सरकार के संग्रहस्थान को तोशाखाना नाम दिया गया है जिसे इंग्लिश में स्टेट डिपॉजिटरी भी कहते हैं। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक विदेशों से या विदेशी मेहमानों से मिले गिफ्ट या फिर तोहफों को इसी तोशाखाना में जमा किया जाता है। प्रधानमंत्री अगर उपहार अपने पास रखना चाहता है तो उसे इसकी वैल्यू यानी कि उसका मूल्य चुकाना होता है। इन उपहारों की नीलामी भी की जा सकती है। नीलामी से अर्जित धन यानी कि नीलामी से मिला हुआ रुपए खजाने में ही जाएगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री को मिले उपहार राष्ट्र की संपत्ति होती है। तो अब ये जानते हैं कि तोशाखाना विवाद में आखिर इमरान खान फंसे कैसे। इमरान खान को प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी विदेश यात्राओं से करीब 14.5 करोड़ के उपहार मिले हैं। उपहारों को तोशाखाने में जमा भी कर दिया गया था। इमरान खान ने तोशाखाने में जमा कराए हुए उपहारों को सस्ते में खरीदा और फिर ज्यादा कीमत में बाजार पे उन्हें बेच दिया गया। इन उपहारों में एक घड़ी और एक अंगूठी का जिक्र होता है जिसकी कीमत 5 करोड़ से ज्यादा की थी, लेकिन बताया जाता है कि 2.5 करोड़ में इमरान खान ने तोशाखाने से वो खरीदी और 5 करोड़ की मार्केट में बेच दी। इमरान खान पर यह भी आरोप लगाया गया है कि इमरान ने पूरे काम को अंजाम देने के लिए एक सरकारी कानून में परिवर्तन भी किया है। पिछले साल इमरान खान की सरकार गिरने के कुछ महीने बाद पीएनएमएल गठबंधन वाली सरकार के कुछ सांसदों ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ के सामने तोशाखाना मामले को उठाया था। उन्होंने एक आरोप पत्र तैयार किया था जिसमें कहा गया था कि इमरान खान ने उन्हें मिले उपहारों की डिटेल तोशाखाना में नहीं सौंपी थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने उपहार यानी कि गिफ्ट को बेचकर रुपए कमा लिए हैं। नेशनल असेंबली ने जांच का आदेश भी दिया था। 8 सितंबर को इमरान को एक नोटिस भी दिया गया था। नोटिस के जवाब में इमरान ने 4 उपहारों को बेचने की बात कबूली भी थी। वहीं इमरान ने दलील भी दी थी कि उपहार उन्हें निजी तौर पर मिले थे इसलिए वो उनका कुछ भी कर सकते हैं। इमरान ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है और मामला कोर्ट में पहुंच गया है। इसी मामले में पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है और यही एक वजह है जिस वजह से पिछले 48 घंटे से इमरान खान के घर के बाहर पुलिस में और उनके कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ी झड़प देखने को मिल रही है।